सब्सक्राइब कीजिए आरपीजी एग्जाम का चैनल को और इस बेलाइकन को दबाइए कोई भी जॉब एग्जाम में सक्सेस होने के लिए वेलकम टू आर पी जी एग्जाम गाइड ये हमारा साइंस जी के पार्ट सिक्स का वीडियो है देखिए जनरल साइंस की हर एक चैप्टर को एक साथ मिक्स करके पढ़ने से अच्छा है एक एक चैप्टर को हम अलग अलग करके अच्छी तरह पढ़ें और उसको कॉम्प्लीट करें तो जब हर चैप्टर हमारा कम्प्लीट हो जाएगा तब जनरल साइंस से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे हम उसको जरूर कर पाएंगे तो जनरल साइंस के अंदर है बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ये हर एक सब्जेक्ट से हर एक चैप्टर वाइज हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल में लाएंगे और आज के वीडियो में आपको मिलेंगे बायोलॉजी से ब्लड रिलेटेड जो भी जी के एग्जाम में आने के चांस है वो सब तो लेट स्टार्टेट ब्लड इज ए बॉडी फ्लूड इन ह्यूमेंस एंड अदर एनिमल्स टे डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंस सच इज डैश एंड डैस टू द सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट डैस प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स इसका मतलब ब्लड इंसान और दूसरे प्राणियों के शरीर में एक फ्लूड है जो आप सबको पता है तो इसका काम क्या होता है सेल्स में क्या चीज लेके जाता है और सेल्स से क्या चीज लेके आता है तो सेल्स में न्यूट्रिय और ऑक्सीजन को लेके जाता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को सेल से लेके आता है तो इसका आंसर है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और दूसरा आंसर है मेटाबॉलिक वेस्ट डैश ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड डैश ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म प्रोड्यूस बाय सेल इसका मतलब कौन सा ब्लड ऑक्सीजन को परिवहन करता है और कौन सा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है तो इसका आंसर है आर्टेरियल और भेनास मतलब आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जाता है उसमें ऑक्सीजन रहता है और भेन के थ्रू जो ब्लड जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ब्लड अकाउंट्स फॉर डेस्ट परसेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट मतलब इंसान के कितना वेट है उसका कितना परसेंट ब्लड अकाउंट्स करता है कितना परसेंट ब्लड रहता है तो उसका आंसर है सेवन परसेंट ब्लड एवरेज डेंसिटी कितना है इसका आंसर है वन थाउजेंड एंड सिक्सटी के जी पर मीटर क्यूब दैज ए ब्लड वॉल्यूम ऑफ डैश लीटर एक वयस्क में कितना ब्लड रहता है इसका आंसर है फाइव लीटर पीएच ऑफ ब्लड इज डैश ब्लड का पीएच कितना है तो ब्लड का पीएच है 7.35 पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव डैश इज द प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट ऑफ द कलर ऑफ ब्लड इन भर्टिवेट्स मतलब भर्टिवेट्स प्राणियों में जो ब्लड का कलर होता है उसके लिए उसका कारण क्या है तो उसका कारण है हीमोग्लोबिन तो उसका आंसर है हिमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होने के कारण हमारा शरीर में जो ब्लड है उसका जो कलर है वो लाल होता है vertebrate ब्लड is dash when its हीमोग्लोबिन is ऑक्सीजनेटेड and dash when इट is deoxygenated iska इसका मतलब praniyon प्राणियों में जो ब्लड है उसका कलर हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजनेटेड रहता है मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ा हुआ रहता है उस समय उसका कलर क्या होता है और जब जुड़ा हुआ नहीं रहता है तब उसका कलर क्या होता है तो इसका आंसर है ब्राइट रेड एंड डार्क रेड जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ रहता है तब तो ब्लड का कलर होता है ब्राइट रेड और जब डीऑक्सीजनेटेड होता है मतलब जब जुड़ा हुआ नहीं रहता है तब तो उसका कलर होता है डार्क रेड ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स डैस परसेंट ऑफ ब्लड फ्लोड इसका मतलब यह है कि जो जितना हमारा ब्लड है उसमें ब्लड प्लाज्मा कितना रहता है तो इसका आंसर है फिफ्टी फाइव परसेंट ब्लड प्लाज्मा इज ए सोल्यूशन कंटेनिंग डैस परसेंट वाटर दस परसेंट ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन इसका मतलब यह है कि ब्लड प्लाज्मा एक सॉल्यूशन है जिसमें कितना परसेंट वाटर है और कितना परसेंट ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है तो इसका आंसर है कि इसमें 92 परसेंट वाटर है और 8 परसेंट ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा इज डैश इन कलर ब्लड प्लाज्मा का कलर क्या है तो इसका आंसर है स्ट्रॉ येलो डैस इज द मेन प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा तो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन रहता है बहुत सारे प्रोटीन रहता है उसमें से जो मेन प्रोटीन है वो क्या है तो सटीक आंसर है एल्बुमिन। रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैस इसका मतलब है रेड ब्लड सेल्स है इसका और एक नाम क्या है इसका और एक नाम है एरिथ्रोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैस मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का और एक क्या नाम है इसका आंसर है ल्यूकोसाइड्स प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैस मतलब प्लेटलेट्स का और एक नाम क्या है प्लेटलेट्स का और एक नाम है थ्रम्बोसाइड्स द वेरियस सेल्स ऑफ ब्लड आर मेड इन द बोन मेरो इन ए प्रोसेस कॉल्ड डैस इसका मतलब यह है जो बोन मेरो में जो रक्त कना पैदा होता है तो ये जो पैदा होने का जो प्रक्रिया है जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है इसका नाम है हेमाटोपोइसिस। इसका नाम है हेमाटोपोइसिस। द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड डैश तो रेड ब्लड सेल जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलता है उसको बोलता है एरिथ्रोपोइसिस। तो सटीक आंसर है एरिथ्रोपोइसिस। व्हाट इज द फाइव कंपोनेंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसका जो पांच मेन टाइप्स है वो क्या क्या है तो है न्यूट्रोफिल्स यूसिनोफिल्स बेसोफिल्स लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स वन माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड कॉन्टेंट्स डैस मिलियन एंड डैस मिलियन आरबीसी इन मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली इसका मतलब यह है कि वन माइक्रोलीटर ब्लड में पुरुषों में कितना मिलियन आर रहता है और स्त्रियों में कितना मिलियन आरबीसी रहता है तो इसका सटीक आंसर है 4.7 टू 6.1 मिलियन पुरुषों में और 4.2 टू 5.4 मिलियन स्त्रियों में आर रहता है वन माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड कॉन्टेंस डैश डब्ल्यू मतलब एक माइक्रोलीटर ब्लड में कितना व्हाइट ब्लड कार्पा रहता है या व्हाइट ब्लड सेल रहता है तो इसका उत्तर है फोर थाउजेंड टू इलेवन थाउजेंड वन माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड कॉन्टेंट्स डैश प्लेटलेट्स एक माइक्रोलीटर ब्लड में कितना प्लेटलेट्स रहता है इसका आंसर है टू लाख टू फाइव लाख द मोस्ट एबान सेल्स इन भार्टिबेट ब्लड आर डैश मतलब भार्टिबेट प्राणियों के ब्लड में सबसे ज्यादा जाने वाला सेल्स क्या होता है तो इसका आंसर है रेड ब्लड सेल्स डेस ऑफ ब्लड हेल्प टू रेसिस्ट इंफेक्शन एंड पेरासाइट्स ब्लड के कौन से कोना इंफेक्शन और पेरासाइट्स के खिलाफ लड़ने में मदद करता है तो आंसर है व्हाइट ब्लड सेल डेस आर इंपॉर्टेंट इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब यह है कि ब्लड में कौन से कना के लिए ब्लड क्लॉट होता है आप ये नोटिस किए होंगे कि शरीर के किसी जगह में चोट होने से ब्लड निकलता है और कुछ समय बाद उस ब्लड अपना आप क्लॉट हो जाता है जम जाता है तो ये प्लेटलेट्स के कारण ही होता है इंसेक्ट्स एंड साम मोलाक्स यूज ए फ्लूड कॉल डैश इंस्टेड ऑफ ब्लड मतलब इंसेक्ट्स और कुछ मोलाक्स है जिसमें ब्लड नहीं रहता है तो कौन सा फ्लूड रहता है तो ये है हेमोलिम्प द इन्वर्टिबेट्स यूजिंग हिमोलिम्स है इम्यून सिस्टम तो इन्वर्टिव प्राणी में हिमोलिम रहता है तो इसमें ब्लड नहीं रहता है तो ये सब प्राणियों में कोई पैरासाइट घुसने से या कोई इन्फेक्शन होने से ए, उसके खिलाफ कौन लौटता है तो उसके खिलाफ लड़ता है हिमोसाइट्स जैसे हमारा शरीर में कोई या तो कोई भर्टिबेट्स प्राणियों में ऐसा होने से व्हाइट ब्लड सेल ये काम करता है लेकिन इन्वरट्यूबेट में ये काम हिमोसाइट्स करता है हेल्दी एरिथ्रोसाइट्स हैव ए लाइफ ऑफ अबाउट डैश मतलब मतलब रेड ब्लड सेल्स का लाइफ कितना है तो इसका आंसर है वन ट्वेंटी डेज द ब्लड ऑफ मोस्ट मोलक्स एंड सम अर्थोपॉर्ट्स इज ब्लू एसिड कॉन्टेंट्स द कॉपर कॉन्टेनिंग प्रोटीन डैश इसका मतलब ज़्यादातर मोलक्स में और कुछ ऑर्थोपोड्स में जो ब्लड है उसका कलर ब्लू होता है इसका कारण क्या है इसका कारण है इसका ब्लड में हेमोसायनिन रहता है और जिसके वजह से इसका जो ब्लड का कलर है वो नीला रहता है हेमोसायनिन इज डैश होन डी ऑक्सीजनेटेड एंड डैश हुईन ऑक्सीजनेटेड हेमोसाइनिन का कलर क्या होता है जब ऑक्सीजन का साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होने से इसका कलर क्या होता है तो जब डी ऑक्सीजन होता है जब ऑक्सीजन साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है तो कलर लेस होता है और जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो इसका कलर डार्क ब्लू होता है जैसे कि हम पहले भी देखे हैं कि हीमोग्लोबिन का कलर चेंज होता है तो जो ये सब प्राणी है जिसमें हीमोसायनिन रहता है इसमें हीमोसायनिन हीमोग्लोबिन का काम करता है दैस डिफाइंड एस ए डिजीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड मतलब रेड ब्लड सेल है इसका परिमाण कम होने से या हीमोग्लोबिन का परिमाण कम होने से एक बीमारी होता है इस बीमारी का नाम क्या है तो इस बीमारी का नाम है एनीमिया डैश इज ए ग्रुप ऑफ कैंसर ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड सेल्स मतलब जो ब्लड के टिश्यूज है और जो सेल्स है को, कोशिका है उसमें कैंसर होने से उसको क्या कहता है उसको कहता है ल्यूकोमिया डैश इज ए जेनेटिक इलनेस इजेज डिसफंक्शन इन वन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग मेकानिज्म मतलब वो कौन सा बीमारी है जिस जो होने से जो ब्लड क्लॉटिंग का कुछ जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में कुछ खामियां रह जाता है तो उस बीमारी का नाम क्या है उस बीमारी का नाम है हेमोफेलिया डैश इज ए कंडीशन इन द ब्लड एबिलिटी टू कोआगुलेट इज इम्पेयर्ड तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं जिस कंडीशन में ब्लड का जमने का जो क्रिया है वो नहीं हो पाता है उसको बोलता है क्वागोलोपैथी तो आंसर है क्वागोलोपैथी बैक्टीरियल इंफेक्शन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड डैश और डैश मतलब ब्लड में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं बैक्टेरियमिया और सेप्सिस वायरल इंफेक्शन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड डैश जब ब्लड में वायरस का इंफेक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं भाईरे कार्बन मोनोक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म डैश मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोक्साइड जुड़ने से क्या प्रोड्यूस होता है तो प्रोड्यूस होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म डैश कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है तो प्रोड्यूस होता है कार्बामिनो कंपाउंड्स मोग्लोबिन कम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए ब्राइट रेड केमिकल कॉल डैस हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बाद एक ब्राइट रेड कलर का केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम नाम क्या है? उसका नाम है उसका ऑक्सी हिमोग्लोबिन डैश क्लासिफाइड ह्यूमन बींग्स इन फोर ग्रुप्स ए बी ए बी एंड ओ ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन ऑफ देर ब्लड कौन से साइंटिस्ट थे जो ंग को फोर ग्रुप्स में डिवाइड किए थे उनके ब्लड के रिएक्शन के अनुसार तो वो साइंटिस्ट थे के तो आंसर है के लेंटेनार ब्लड ग्रुप ए कैरीज एंटीजन डैश एंड एंटीबॉडी डैश तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या रहता है और एंटीबॉडी क्या रहता है तो एंटीजन रहता है एंटीजन ए और एंटीबॉडी रहता है एंटीबॉडी बी ब्लड के जो चार ग्रुप है ए बी ए बी एंड ओ तो ये चार ग्रुप का जो नाम है तो ये ग्रुप में जो एंटीजन है इसके ऊपर ही इसका नाम हुआ है जैसे ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है इसलिए इसका नाम है ब्लड ग्रुप ए एंटीजन बी है जिस ग्रुप में उस ग्रुप का नाम है बी जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन है उस ग्रुप का नाम है ए बी और जिसमें कोई एंटीजन है ही नहीं उसका नाम है ओ ब्लड ग्रुप बी कैरीज एंटीजन डैश एंड एंटीबॉडी डैश ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन सा है और एंटीबॉडी कौन सा है तो इसमें है एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप ए बी कैरीज एंटीजन डैश एंड डैश एंटीबॉडी तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन कौन सा है और एंटीबॉडी कौन सा है तो इसमें एंटीजन है ए और बी दोनों एंटीजन इसमें मौजूद है और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है ब्लड ग्रुप ओ कैरीज डैश एंटीजन एंड एंटीबॉडी डैश मतलब ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन क्या क्या है और एंटीबॉडी क्या है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है पहले भी हम बताया कि इसमें कोई एंटीजन नहीं रहता है इसलिए इसका नाम है ओ और इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों रहता है ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड डैश ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब ये दूसरे सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है इसलिए इसको नाम है यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप ओ इश ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर क्योंकि ये बाकी सारे ब्लड ग्रुपों को ब्लड दे सकता है इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल डोनर तो ये था हमारा साइंस जीके का पार्ट सिक्स वीडियो और अगर आप साइंस का प्रिपरेशन और भी अच्छा करना चाहते हो तो साइंस जीके में साइंस जीके के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे है वो सब आप जरूर एक बार देख लीजिएगा हमारे चैनल के सारे वीडियोस देखने के लिए और बहुत अच्छी तरह एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं जिसका नाम है आर पी एग्जाम गाइड और हमारे एंड्रॉयड ऐप्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाइए जो है आर और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताना तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए बेस्ट ऑफ लक